या पर्सपेक्टिव सब्जेक्टिव पे नहीं जाते हो, मैं बोलूँगा स्ट्रेट अवे फ्रंट बहुत अच्छा लगता है XUV700 का। स्कॉर्पियो ने एक तो जहाज है, ठीक है, तो जहाज फ्लोट होता है, वो फ्लोट सस्पेंशन वाइज वो फ्लोट करता है मगर वो आपको झूले पे झुलाता है, ठीक है। बट स्कॉर्पियो का जो रियल, बिकॉज इट्स रियल व्हील ड्राइव, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो वो रियल व्हील ड्राइव है, तो इट्स कनेक्टेड, तो उसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन नहीं है। हालांकि वो जो 200 किलो का जो डिफरेंस है, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं, वो इतना फील नहीं हो रहा यार। 200 किलो अगर है तो एक तो बहुत मैसिवली अंडर पावर्ड आपको फील होगी इन फ्रंट ऑफ XUV700। ऐसी ये कार एक्चुअली यार वो है, ये रुतबे वाली कार है, राइट, क्या आपको स्कॉर्पियो चाहिए तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। स्कॉर्पियो इटसेल्फ इज अ ब्रांड। बच्चों एक चीज बताओ, ये दोनों गाड़ियां आपको पता है, मैंने आपसे पूछा, आपको गाड़ियों के नाम तो पता है, दोनों में से कौन सी गाड़ी पसंद है आपको? हे गाइस, वेलकम टू एपिक कार रिव्यूज, माय नेम इज अमन और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास एक नहीं दो दो गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियां महिंद्रा की टॉप सेलिंग कार्स। लेफ्ट में मेरे है XUV700, राइट में मेरे है स्कॉर्पियो N। और इन दोनों गाड़ियों में जो सिमिलरिटीज जो हैं वो हैं ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर महिंद्रा, दोनों गाड़ियां डीजल है, दोनों गाड़ियां ऑटोमेटिक है, पर यहीं पे इन दोनों की सिमिलरिटीज ख़त्म हो जाती हैं। क्या क्या डिफरेंसेस हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। इस कार के जो हैं ओनर वो मेरे साथ में हैं, जो कि मेरे ब्रदर हैं, और यहाँ पे लेफ्ट में जो XUV700 है ये मेरी खुद की कार है। तो अगर वेरिएंट वाइज अगर मैं बात करूँ तो XUV700 है, ये है AX5 डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट, ये ऑलमोस्ट बीच में पड़ता है क्योंकि इसके ऊपर जो है AX7 है और इसके नीचे AX3 वेरिएंट है। और मेरे राइट में जो स्कॉर्पियो N है ये है Z4 वेरिएंट, इसके ऊपर Z6 है, Z8 है, Z8 लग्जरी है, और इसके नीचे ऑफ कोर्स Z2 वेरिएंट है। तो इन दोनों गाड़ियों का हम कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है। इस कार के जो ओनर है मेरे ब्रदर, जैसे मैंने आपको बताया था, वो भी हमारे साथ में है, हिज नेम इज तमन, तो आई लाइक टू वेलकम हिम। हाय तमन, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड, वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, अगर हम पहली चीज़ बात करें प्राइस की, तो XUV700 ये 5 सीटर वेरिएंट है जो कि आज की डेट में 20 लाख 30,000 के अराउंड मिलेगी आपको एक्स शोरूम। और जो ये Z4 वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक में है स्कॉर्पियो N का, ये आपको मिलेगा 17 लाख 15,000 के अराउंड में। तो तमन, अब हम फीचर वाइज चेक करते हैं कि इस कार में अगर हम एक्सटीरियर वाइज बात करें, भले ये 3 लाख 15,000 के अराउंड एक्स शोरूम सस्ती है, लेकिन स्कॉर्पियो में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है? दोनों ही कंपेयर कर देता हूँ स्ट्रेट अवे। फ्रंट में इसमें डबल बैरल हेडलैम्प जरूर आते हैं, बट ये हेलोजन लैम्प के साथ आते हैं, ठीक है। आई हैव इंस्टॉल्ड LEDs, फॉग लैम्प नहीं आता है, तो बहुत ही कहते हैं ना, सब क्वालिटी बोलूंगा, यहाँ पे क्वालिटी तो अच्छी है बट दिखने में बहुत बुरा लगता है जो इसके साथ आता है, अंधी लगती है कार, बेसिकली अंधी लगती है। सो ये बिच्छू के डंक है, सो दिस इज कॉल्ड, दिस कार इज स्कॉर्पियो एंड आई कॉल इट बिच्छू। सही बात। तो ये बिच्छू है हमारी, तो इसका इसके अंदर आपका फॉग लैम्प नहीं आता तो बहुत गंदा दिखता है। इनफैक्ट अगर मैं Z6 की वेरियंट की भी बात करूँ, उसमें भी आपको हेलोजन लाइट्स आएंगी और आपको ये फॉग लैम्प्स नहीं आएगा, राइट। अगर एज अ कंपैरिजन अब हम XUV को देखें तो इसमें आपको LED लाइट्स मिलती हैं और ये बहुत ही पावरफुल लाइट्स हैं। इनफैक्ट इसमें अगर आप ये वाला सेक्शन देखें, दिस इग्नाइट्स और दिस स्टार्ट्स जब आपकी कार 80 क्रॉस कर जाती है, तो इसके बाद ये एक्स्ट्रा लाइट्स भी आपको मिलती है। इसके अलावा कार में फॉग लैम्प्स तो हैं ही, पर इसमें कॉर्नरिंग लाइट्स भी हैं जो कि आपको इसमें नहीं मिलती। दीज आर एक्सटर्नली इंस्टॉल्ड बाई तमन एंड दिस कॉस्टेड हिम अराउंड 15,000, नॉट रॉन्ग। सो एक जो डिफरेंस हम मैंने फॉग लैम्प लगाया है, सो इसलिए भी लगाया बिकॉज इट कम्स विद DRL, सो दैट वाज समथिंग वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड देन द फॉग लैम्प इज प्रोजेक्टेड फॉग लैम्प्स, ठीक है, सो दैट इज आल्सो अ गुड थिंग। XUV के अंदर रिफ्लेक्टर बेस्ड फॉग लैम्प्स आते हैं, इट इज़ वाइट कलर एंड द DRL कम्स विद द हेडलाइट विच इज़ द केस विद मोस्ट ऑफ द कार्स। तो DRL ये इस तरीके का लुक है, विच लुक्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, इट लुक्स प्रीमियम, बेसिकली प्रीमियम। तो ये फ्रंट लुक की बात है, अगेन दिस इज ऑल डिपेंडिंग ऑन योर पर्सपेक्टिव, कौन सी कार आपको बेटर लगती है। पर्सपेक्टिव सब्जेक्टिव पे नहीं जाते, मैं बोलूंगा स्ट्रेट अवे फ्रंट बहुत अच्छा लगता है XUV700 का। एब्सोल्युटली, नॉट बिटवीन ओनली दीज टू कार आई एम कंपेयरिंग, ऑल ओवर आप बहुत सारी गाड़ियों से भी कंपेयर कर सकते हो, इट लुक्स रियली वेल, ठीक है। सो हैरियर इसका मेन कंपटीटर है वैसे देखा जाए,
तो हैरियर अपने स्टाइलिंग अपने उसमें अच्छी लगती है द वे इट इज़ बिल्ट, और ये अपने उसके अंदर क्लासी लगती है। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें सो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स, और एक मेजर चेंज आप देखेंगे इस कार में वो हैं इसके मैसिव टायर्स जो कि आफ्टर मार्केट हैं, और इन्होंने ये Z8L या Z8 डीजल ऑटोमेटिक या पेट्रोल ऑटोमेटिक के 18 इंच एलॉय लगा रखे हैं। अगर हम स्टॉक की बात करें कार तो उसमें 17 इंच व्हील कवर्स आते हैं स्टील रिम के साथ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो इसमें जो आते हैं ब्रिजस्टोन के आते थे, अब अपोलो के आने लग गए हैं, ठीक है। सो इट वाज आई गेस 245 सेक्शन टायर आते 17 इंच के। अभी ऑल टेरेन टायर लगाए हैं, वो हाईवे टेरेन टायर्स थे, तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है बिकॉज अब अभी हम मॉडिफिकेशंस में नहीं जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन हमने कवर कर लिए थे तमन वाली डिटेल वीडियो में। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एज अ स्टॉक आपको क्या कार में क्या मिलेगा, तो इसमें आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे। हाउएवर इसमें आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, दीज आर स्टॉक। साइज की बात करें तो 17 इंचर ही हैं, और इसकी जो विड्थ है ये 235 है। स्कॉर्पियन में आपको 245 सेक्शन के टायर मिलते हैं। साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो दिस इज हाउ द कार लुक्स। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो XUV 700 लेंथ वाइज लंबी है स्कॉर्पियोन से, विड्थ वाइज स्कॉर्पियोन चौड़ी है XUV 700 से, एंड एनी डे स्कॉर्पियोन टॉलर कार है व्हेन यू कंपेयर इट विद। कुछ कुछ पॉइंट जो मुझे अलग दिख रहे हैं दोनों गाड़ियों को कंपेयर करते हो, सो इट इज़ दी ब्लैक मिरर ब्लैक फिनिश के साथ आपकी XUV 700 के अंदर है। मेरे में बॉडी कलर्ड है, सो इवन आई एम प्लानिंग कि उस पर कोई रैप लूप लगा के चेंज करें। दिस हैंडल्स आर ऑल्सो यू नो दिस इज ऑल्सो क्लासी और काइंड ऑफ लैंड रोवर वेलार से प्रेरणा ली गई है। अनदर थिंग विच इज़ मिसिंग इन दिस कि रेलिंग ज़रूर है बट ये दिस इज़ नॉट फंक्शनल। सो आप जब आप लॉन्ग टूर करेंगे देखेंगे, तो उसमें फंक्शनल रेलिंग आती है। सो दिस इज द थिंग एंड दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ब्लैकआउट बट लुक्स रियली क्लासी, एक लग्जरी फील देता है। इट्स अ ग्लॉसी वन, ग्लॉसी वन, उसके अंदर रफ सा आता है, उसमें मैट फिनिश आती है। अगर हम बैक प्रोफाइल की बात करें तो रेयर वाइपर दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, बोथ इन XUV एज वेल एज स्कॉर्पियो एन। तो आपको रेयर स्किड प्लेट जो है आपको इस गन मेटल ग्रे या ग्रेश कलर में मिलती है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है, दोनों गाड़ियों में आपको कैमरा नहीं मिलता है। मैंने ये बाहर से लगवाया आफ्टर मार्केट कैमरा, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा है। और अगर हम स्कॉर्पियो की बात करें रेयर से तो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स, और इसमें भी तमन ने एक एक्सटर्नल कैमरा लगा रखा है आफ्टर मार्केट। इफ़ आई कंपेयर द रियर ऑफ दिस कार विद योर XUV इट्स मोर ऑन द फेस काइंड ऑफ, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बॉक्सी कुछ ज़्यादा है, ठीक है। काफ़ी लोगों का कहना है कि एक छोटी गाड़ी आती है मारुति की उससे मिलता जुलता है, बट इट्स काइंड ऑफ बॉक्सी लुक। दे शुड हैव डन बेटर वर्क इन काइंड ऑफ यू नो द डिपार्चर एंगल जो देना चाहिए था। डिपार्चर एंगल में कहीं लैग करता है, जो मुझे फॉर्च्यूनर एंडेवर का ज़्यादा बेटर लगता है, तो वो इसके अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनकी DF जो भरता है उसकी टैंक है एंड दैट्स ऑल्सो प्लास्टिक। अब पता नहीं अंदर कैसा बना है, कौन सा मेटल लगा है, बट कवर इज प्लास्टिक। उसमें जो स्पेयर व्हील है वो भी काफी हद तक दिखाई देता है, विजिबल है, इतने इंच विजिबल है। बट दिस इज द स्टोरी विद ऑल द SUVs, जो प्रॉपर SUVs हैं सबके साथ ये होता है। हाँ, जबकि XUV में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन में, XUV में ये दिखाई नहीं देता है। हाँ। मेजर अगर हम छत भी अगर कंपेयर करें तो आप यहाँ पे एक मैसिव पैनोरामिक सनरूफ देखेंगे AX5 वेरिएंट में। ये दोनों आपको मैनुअल में भी मिल जाती है और 5-सीटर वेरिएंट में मिल जाती है, जबकि एटलीस्ट इन Z4 वेरिएंट आपको कोई भी सनरूफ नहीं मिलती। Z6 वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको सनरूफ मिलना शुरू होती है स्कॉर्पियो एन में, और वो भी सिंगल पेन है, नॉट अ पैनोरामिक वन। स्कॉर्पियो गेट्स द फुटस्टेप्स व्हिच इज मिसिंग इन XUV। आई गेस उसमें रिक्वायरमेंट भी कम ही होती है, बट एजेड लोगों के लिए, एंड दिस इज ऑन अ हायर साइड, काफ़ी ऊंची गाड़ी है, तो ये जरूरी है, मैंडेटरी है। हाँ, इसमें भी वैसे जरूरी तो है, मैंने लगवाई नहीं है, बट दैट मोस्ट कॉस्ट अराउंड 25,000 फॉर द जेन्युइन महिंद्रा एक्सेसरी, तो मेरे को ऐसे जरूरत फील नहीं हुई है, तो मैंने अभी तक लगाया नहीं है। जब जरूरत फील होगी तो हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ओके गाइज, हम बैठ चुके हैं XUV 700 में, एंड माई ब्रदर तमन विल बी ड्राइविंग दिस। सो गाइज, अगर हम नंबर्स की बात करें इंजन परफॉर्मेंस वाइज, सो दिस इज़ अ 2.2 लीटर डीजल ऑटोमेटिक,
2.2 मतलब 2200 सीसी और इसकी जो पावर है वो है 182 bhp एंड 450 nm ऑफ टॉर्क। जब हम स्कॉर्पियन में बैठेंगे तो हम स्कॉर्पियन के फिगर्स की बात करेंगे। पावर वाइज जो नंबर्स बोलते हैं इसकी पावर ज़्यादा है। अब लेट्स सी कि तमन को कैसी पावर फील होती है। सो करेंटली आई एम ड्राइविंग इन अ जैप मोड जो कि एक मिड मोड होता है, सिटी मोड कह सकते हैं उसको, डिफॉल्ट मोड कह लो। सो जिप जैप जूम आते हैं तीन मोड। सो जैप मोड में मुझे पिकअप तो मुझे इंस्टेंट मिल ही रहा है एंड थोड़ा सा मुझे लाउड लग रहा है इसका इंजन। इवन दो द इंजन इज सेम, मेरे को आवाज़ जो मैं डैम्पिंग की बात कर रहा था थोड़ी आवाज़ अंदर आ रही है इसके अंदर। सो दैट्स वन थिंग। पिकअप इसका फ्री फ्लो है, मतलब उसमें पिकअप झटके के साथ लगता है बिकॉज इट्स अ फ्रंट व्हील ड्राइव, वो रियल व्हील ड्राइव है। सो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस है। इसमें फ्री फ्लो इस तरीके से कि वो पिकअप आ रहा है तो जाए जा रही है भैया, मतलब जब तक 200 नहीं पहुंच जाएगी तब तक नहीं रुकेगी जहाँ तक मुझे लगता है। एंड इट्स एन ऑटोमेटिक ऑल्सो, तो शायद वो भी है बिकॉज गियर चेंज करने नहीं है तो वो जाए जा रही है। और फॉर द रिकॉर्ड्स तमन की भी ऑटोमेटिक ही है और गियर बॉक्स भी सेम ही है। इफ आई टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट वाली स्क्रीन जो ये लेफ्ट साइड है, सो दिस इज लैंडस्केप मोड पे है आपकी ज़्यादा। सो इट्स वाइडर देन माई कार। उसमें सिर्फ इतना है, दिस पार्ट इज मिसिंग, इतना ही आता है। सो ईदर यू कैन सी द म्यूजिक और यू कैन सी द एंड्रॉयड ऑटो। मन सस्पेंशन वाइज अगर हम बात करें, वैसे आपने गाड़ी पहले भी ड्राइव करी हुई है, तो व्हाट डू यू फील अबाउट सस्पेंशन? थोड़ी नीचे जैसी है तो सस्पेंशन का इसका मेरे को ज़्यादा लग रहा है कि मैं रोड से कनेक्शन मुझे ज़्यादा लग रहा है। थोड़ी साउंड है, एक हल्की सी डैम्पिंग जो मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, थोड़ी सी डैम्पिंग की कहीं ना कहीं कमी है। साउंड आ रही है जैसे घट्टे में जा रही है तो हल्की सी डक डक करके सस्पेंशन की आवाज़। हाँ, सस्पेंशन से आवाज़ कह लो उसको, या फिर सस्पेंशन जहाँ फिट होता है, माउंट होता है, वहाँ से वो आती। मोनोकॉक चेसिस के अंदर थोड़ा ज़्यादा है ये, बाकी गाड़ियों में भी आती है मैंने सुनी है, बट इसमें मेरे को एविडेंट लग रही है ज़्यादा है। उसके अंदर स्कॉर्पियन के अंदर वो आवाज़ नहीं है। उसमें तो मैं अभी आपको इसी ड्राइव रूम में बोल सकता हूँ कि उसमें वो वाली आवाज़ नहीं है। जैसे अभी गड्ढा आ रहा है तो हल्का सा वो डग डग करके अंदर आपको फील होता है, जो कि थोड़ा सा जैसे गाड़ी लग्जरी है तो वो चीज़ नहीं फील होनी चाहिए कायदे से। और ये तब है जब महिंद्रा ने इस पे काम किया है, उसके बोश वो सब चेंज करें। हालांकि आई थिंक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मेरे को इतनी ज़्यादा अनॉयंस इस चीज़ से नहीं है, पर मैं इसलिए एक पर्सपेक्टिव देना चाहता था कि अगर कोई और कार जो बंदा फुल टाइम ड्राइव कर रहा है उसके लिए ये कितनी अनॉयंस है या उसको कितनी फील होती है। तो इट्स अ गुड थिंग दैट तमन हैज ब्रॉट दिस इन एवरीवन्स नोटिस। तो सस्पेंशन वाइज ये है, बट एट द सेम टाइम इफ यू टॉक अबाउट के बॉडी रोल कैसा है आपको लग रहा है इस कार में? स्कॉर्पियो ने एक तो जहाज है, ठीक है, तो जहाज फ्लोट होता है, वो फ्लोट सस्पेंशन वाइज वो फ्लोट करता है मगर वो आपको झूले भी झुलाता है, ठीक है, तो वो झूला इसमें वो फील नहीं आ रहा है। इट्स मोर कनेक्टेड ऑन रोड, मोर इन कंट्रोल। एंड जो हम शायद आई गेस ये किसी भी वीडियो में कवर नहीं हुआ है, इसके फ्रंट, इसके ऑल फोर टायर्स एक्सयूवी के और मोस्ट ऑफ द कार्स के इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के होते हैं, बट स्कॉर्पियन का जो रियल, बिकॉज इट्स रियल व्हील ड्राइव, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है तो वो रियल व्हील ड्राइव है, तो इट्स कनेक्टेड, तो उसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन नहीं है। सो पीछे का जो एक्सल लगा हुआ है वो कनेक्टेड है, उसमें बॉडी रोल के साथ साथ जो इशू आउट ऑफ कंट्रोल जाने का, जो मैं एक्सीडेंट की बात भी कर रहा था स्टार्टिंग में, तो वो कहीं ना कहीं जब हाई स्पीड में होता है तो अनस्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू एक्सयूवी 700। ओके, दैट्स अ रियली गुड पॉइंट, और ये जो भी पर्सपेक्टिव बायस है उनको ये पता होनी चाहिए चीज़। सो इट्स अ गुड थिंग दैट यू हैव ब्रॉट दिस इनटू। यस यस, तो जैसे भी आप जैसे रंबल्स आते हैं या स्पीड ब्रेकर आते हैं, छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर बहुत हाई स्पीड के लिए भी बने रहते हैं, कुछ कुछ हाईवेज में भी बने हैं आजकल इंडिया में, तो वो जब वो क्रॉस करती है तो आपका आउट ऑफ कंट्रोल जाने के चांसेस फील होते हैं। वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, इसमें भी है, इसमें वो किकिंग नहीं करता होगा, उसमें किकिंग करता है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल ज़्यादा है। Z2 के अंदर नहीं आता है वो, तो वो और प्रॉन टू एक्सीडेंट हो सकती है। सो इवन दो इट्स फाइव स्टार रेटेड कार, बट देखो जो चीज़ है वो है। वाइज भी गाड़ी, अगर मैं एयरबैग्स की बात करूं तो AX5 वेरिएंट में आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं और Z4 तमन आपकी जो कार है उसमें 2 एयरबैग्स हैं, ओनली टू एयरबैग्स। इसमें साइड एयरबैग्स भी आते हैं, सो उसकी वजह से भी जो 3 लाख प्लस जो है वो कॉस्ट कहीं ना कहीं उसमें भी गई है।
और जो जो मैसिव आप स्क्रीन देख रहे हैं इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, आई थिंक इट्स इन लैक्स, मे बी 2 लैक्स प्लस की ये कॉस्ट आती है, तो वहाँ पे ये स्क्रीन की वजह से भी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। सनरूफ जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सनरूफ की भी एक कॉस्ट है, सो वो है। तो अमन, आपकी गाड़ी इकोनॉमी कितना देती है, कितनी माइलेज देती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, देती कितना है? तो यार ये कार की जो रनिंग है अभी 5714 चली है, अब इसकी मेजर सर्विस नहीं हुई है, इसका इंजन ऑयल चेंज नहीं हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ओवरऑल जो मुझे एवरेज सिटी में मिल रही है वो है एनीवेयर बिटवीन 11 to 12, 10.4 अभी इसमें दिखा रही है एग्जैक्टली तो वो और ड्रॉप डाउन हो जाती है इफ आई एम स्ट्रक इन अ ट्रैफिक, और वैसे भी देहरादून में ऑफ कोर्स इट्स नॉट कंपेरेबल टू दिल्ली एनसीआर की जो ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत भीड़ हो गई यार, और वीकेंड्स में भी काफ़ी यू नो टूरिस्ट लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो उसके हिसाब से 10 आपको दिखा रही है, 10.4, तो ये इसकी एवरेज है सिटी में। आई एम नॉट एबल टू थिंक कि जो ऑटोमेटिक्स पेट्रोल के जो ओनर्स हैं उनके साथ क्या होता होगा, आई कैन ओनली जस्ट इमेजिन, क्योंकि ये डीजल की बात है तो इतना है। और अगर आप, मैंने दिल्ली की एक ट्रिप लगाई थी तो उसमें मुझे ओवरऑल 15 का एवरेज मिला था, विच इंक्लूडेड दिल्ली ट्रैफिक, और देहरादून से जाके वापस आया था मैं, द कार रैन ऑलमोस्ट अराउंड 550 किलोमीटर्स, तो उसमें मेरे को 15.5 के एवरेज मिले थे, राइट। सो आई थिंक तमन हाईलाइट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या व्यू आ रहा है, आके मसूरी दिखाई दे रहा है, तो हाँ, तो एवरेज वाइज ये है। एंड इफ यू टॉक अबाउट माई सेटिस्फेक्शन लेवल, तो आई एम गुड, क्योंकि यार गाड़ी में पावर बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से इतना भी है, इट्स अ रिस्पेक्टेबल फिगर्स, सो आई एम गुड विद दिस। गियर बॉक्स में कुछ एनी डिफरेंस दैट यू फेल्ट के सेम परफॉर्म कर रहा है जैसे आपका स्कॉर्पियो में करता है? गियर बॉक्स मुझे सेम लग रहा है, बट जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, उसमें झटका लगता है जैसे मैं एक्सेलरेटर करता हूँ, ये ज़्यादा सेटल है, स्मूथ है, उसमें झटका लगता है, वो मे बी शायद रियर व्हील ड्राइव है, शायद इस चक्कर में होगा, बट इसमें स्मूथ है, पिकअप आ रहा है एंड लीनियर है। सो ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि दोनों गाड़ियों में आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, तो इसमें बस ये है कि मेरे को एक हैसल लगती है कि इसमें बटन दबा के आप चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू प्रेस अ बटन, दिस अ 2-स्टेप प्रोसेस एंड देन यू टू प्रेस एंड चेंज द ड्राइव मोड्स। मैं पर्सनली अगर बात करूँ, मैं यार ड्राइव मोड चेंज ही नहीं करता हूँ, क्योंकि फॉर मी चेंज करना तो इट्स लाइक आई डोंट डू दैट। पर अब तमन से पूछते हैं, जूम मोड मैंने कर दिया है, व्हाट डू यू थिंक, अभी जो ये परफॉर्मेंस वाइज व्हाट डू यू थिंक? हम मोड चेंज करते हैं तो 3-4 सेटिंग्स जो कार चेंज करती है, इंजन जैसे फीडबैक देता है वो चेंज होता है, स्टीयरिंग फीडबैक चेंज हो जाता है, ब्रेकिंग ज़्यादा लगने लग जाती है अगर आप जूम मोड लगाते हो तो। सो अभी मैं स्टीयरिंग पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मेरे स्कॉर्पियो के अंदर तो एकदम से स्टीयरिंग हैवी हो जाता है, वो थोड़ा सा वेट भी लगता है, तो तुम्हारा मतलब हर चीज़ सटल है, इट्स लाइक एकदम से चेंजेस नहीं दिखते हैं, बट हाँ थोड़ा सा हैवियर तो हुआ है, और आई गेस बिकॉज आई एम ड्राइविंग एट लो स्पीड, जैसे ही मैं हाई स्पीड में जाऊँगा ये और ज़्यादा हैवी हो जाता है। स्टीयरिंग की जैसे बात हो ही रही है तो मैं स्टीयरिंग की बता देता हूँ कि फीडबैक इज़ गुड, इलेक्ट्रॉनिक है दोनों में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कह सकते दोनों के अंदर है, बट इसमें वाइब्रेशन नहीं है, सो स्कॉर्पियन के साथ इशू है, बहुत सारे ओनर्स हैं ऑलरेडी, आई एम वन ऑफ देम, सो उनको ये इशू फील हुआ है कि वाइब्रेशन आती है छोटी छोटी, मतलब हर घंटों से निकलती है तो हल्का सा पता चलता है कि कुछ तो लग रहा है नीचे, वो क्या चीज़ है इवन कंपनी इज़ नॉट एबल टू सॉल्व इट येट। और उसमें एक और तमन नाथिंग आप बता रहे थे कि रीसेट भी हो जाती है सेटिंग्स? हाँ, म्यूजिक सिस्टम में वो अपनी सेटिंग भूल जाता है, अपना क्लस्टर के अंदर वो अपना ट्रिप पे ट्रिप भी भूल जाता है, सो सेटिंग रीसेट हो जाती है उसकी, सो आई थिंक ये केस इसके साथ नहीं है, सो थोड़ा सा भगा के देखते हैं गाड़ी को, बॉम है भाई बॉम, सो दिस कार इज बॉम, द वे द कार इज रिस्पॉन्डिंग, जस्ट यू नो जस्ट कीपिंग माई फुट ऑन द एक्सीलेटर, फैदर टच कर रहा हूँ मैं एंड इट्स रिस्पॉन्डिंग लाइक एनी थिंग, मतलब एक सेकेंड में भाग रही है यार ये। चलिए अब हम ट्राई करते हैं स्कॉर्पियन को, सो आई बी ड्राइविंग दैट कार और मैं आपको अपना फीडबैक बताता हूँ एज अ एक्सयूवी ओनर। सो अमन, सो नाउ इन स्कॉर्पियो वैन कैसे आपका, कैसा था इंग्रीज, कैसा था बैठे जैसे आप? तो यार जब हम गाड़ी का इंटीरियर चेकआउट कर रहे थे तभी मैंने ये बोला था
आपके एक स्टेप प्रोसेस एक स्टेप चढ़ के फिर आप बैठ जाते हैं, इट्स कंफर्टेबल, आपके पास एक ग्रैब हैंडल है एंड देन यू कैन सिट डाउन। लाइक आई सेड अगेन, एक टॉप फ्लोर पे आप बैठे हुए अभी, तो एक बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है आपको सड़क का, और आपको फुल हुड भी दिखाई दे रहा है गाड़ी का, गुड हुड आपको वैसे मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें तो XUV 700 में भी दिखाई देता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट इज वेल। अगर आपको हाँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है जस्ट इंक्रीज दी सीट हाइट, तो सीट वाइज तो एटलीस्ट भले वो मैनुअल है एक्स फाइव वेरियंट में पर वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपको हीट तो फिर आई कैन गिव अ फीडबैक, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव ऑप्शंस, ऑलवेज गुड टू हैव एडजस्टमेंट्स फॉर द ड्राइवर। स्टीयरिंग वाइज हमने शायद ये पॉइंट मिस करा है, आपको जो है स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाती है, तो हाइट जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, पर आपके पास रीच का एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में नहीं है, दोनों में नहीं है राइट। और गाड़ी जैसे भाई मैं स्लो स्पीड में चला रहा हूँ पर एक मूवमेंट तो है यार इसमें, एक बॉडी रोल जो है वो फील करते हो, बट इट्स अ स्मूदर एक्सपीरियंस, इट्स अ स्मूद एक्सपीरियंस, इंजन स्मूथ वर्क कर रहा है, गियर बॉक्स इज वर्किंग फ्लॉलेसली, हालांकि हमने बात करी है कि इंजन वाइज गाड़ी सिमिलर हैं। अगर मैं इसके नंबर्स की बात करूं तो इसमें पावर XUV 700 से कम मिलती है, पेट्रोल में दोनों गाड़ियों में सेम पावर है ऑलमोस्ट, पर इसके डीजल की पावर है 175 bhp व्हिच नॉट वेरी लेस देन व्हाट यू गेट इन XUV 700, सिर्फ 7 bhp कम है, पर जो टॉर्क फिगर्स हैं वो कम है, इसमें है 400 nm ऑफ टॉर्क, अगेन इफ यू टॉक एंड कंपेयर इट विद इन द इंडस्ट्री बिग नंबर्स, पर XUV 700 में आपको मिलता है 450 nm ऑफ टॉर्क। तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं कि उसका कितना बड़ा डिफरेंस आपको फील होता है ड्राइव में, हालांकि तमन ने बोला है कि गाड़ी आपको झटका ही देती है और जो का पिकअप करते हैं, तो लेट्स डू दैट। तो पिकअप तो अच्छा है इस गाड़ी में क्योंकि इतने बड़े इंजन है दोनों गाड़ियों में, 2200 cc के इंजन है, तो बॉडी टू वेट रेशियो अगर बोलेंगे तो इसका थोड़ा सा कम है, योर XUV इज लाइटर सो बेटर आपका रिस्पांस उसका ज्यादा है। एग्जैक्टली, वेरी राइटली सेड तमन। तो उसका जो अगर हम वेट की बात करें, एक फाइव वेरिएंट, एक तो यार वो 5 सीटर गाड़ी है जो मेरा वेरिएंट है, और उसमें जो आपका जो पावर ज़्यादा है अगर आप नंबर्स की बात करें, लाइटर व्हीकल है, 1720 के आसपास उसका वेट पड़ता है, दिस इज़ ऑलमोस्ट 1950 kg की, सो 200 किलो का डिफरेंस है इसमें, तो ये एक चीज़ है। हालांकि वो जो 200 किलो का जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं, वो इतना फील नहीं हो रहा यार, 200 किलो अगर है तो एक तो बहुत मैसिवली अंडर पावर्ड आपको फील होगी इन फ्रंट ऑफ XUV 700, ऐसी बात नहीं है, ये भी बहुत पावरफुल कार है और अच्छी चल रही है। और मैंने बात अभी की अगर बात करें तो बहुत ट्रैफिक है अभी, तो मैं मे बी इसको और पुल नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई हैव ड्रिवन दिस मल्टीपल टाइम्स। ये कार एक्चुअली यार वो है, ये रुतबे वाली कार है राइट, कि आपको स्कॉर्पियो चाहिए तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, स्कॉर्पियो इटसेल्फ इज अ ब्रांड। मैं तो बोलूँगा कि स्कॉर्पियो XUV जो रेंज है महिंद्रा की, उससे एक बड़ा ब्रांड है, क्योंकि स्कॉर्पियो एक पहला मेजर प्रोडक्ट था, हाँ हालांकि XUV 500 भी एक अच्छा प्रोडक्ट था, पर स्कॉर्पियो इज़ अ बिगर ब्रांड इन इटसेल्फ, और ये नोन है फॉर इट्स दबंगनेस राइट, तो वो एक चीज़ उसमें मिल रही है और आप काफ़ी ऊंचा बैठे हुए हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इवन दो स्कॉर्पियो एक ब्रांड है, बट वो क्लासिक जो लुक है वो क्लासिक में ज़्यादा है ठीक है, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ क्लासिक, द रीज़न इज थोड़ा सा मुझे ज़्यादा रगड लगती है, ये मुझे सोफिस्टिकेटेड ज़्यादा लगती है, तो इसे परफेक्ट ब्लेंड। सो अगर मेट्रो सिटीज़ के हिसाब से भी देखें तो ड्राइवेबिलिटी ज़्यादा बेटर है, हम नौकरी पेशे वाले लोग हैं, सो उसमें थोड़ा सा मुझे इसका ज़्यादा एक प्रीमियम फील वैसे भी दिखता है, और एक ब्रांड इमेज भी इसकी थोड़ी सी प्रीमियम लगती है। एग्जैक्टली, और बाकी जैसे हमने जब XUV की ड्राइव पे बात करी थी, तब मैंने बताया था कि इसमें एक वाइब्रेशन फील होती है, आई कैन फील दैट वाइब्रेशन, पर वो बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव और अनोइंग नहीं है, पर यस देयर इज़ अ वाइब्रेशन दैट यू कैन फील अपने हैंडल पे। इसमें ड्राइव मोड वाइज अगर आप देखेंगे तो आप बहुत ही ईजीली इसमें ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं, ऑन अ टच ऑफ अ बटन आई कैन टॉगल द मोड्स विच इज़ मिसिंग इन XUV 700। उसका एक रीज़न ये भी है कि उसमें कस्टमाइज मोड मिलता है, तो जिसको आप एक और एडिशनली आप कुछ ट्विक ऑन कर सकते हैं, उसमें फिर आप ब्रेक्स, स्टीयरिंग सेटिंग्स,
और इंजन सेटिंग्स आप कस्टमाइज कर सकते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी प्रीमियम फीचर। पर इसमें यार एक प्रॉब्लम है, आप इतनी ट्विकिंग करेंगे, इतना चेंजेस करेंगे, ये सब करेंगे, आप जैसे गाड़ी ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, वो सेटिंग भूल जाता है, इट रीस्टार्ट्स। सो उसका पॉइंट क्या है यार, इतना आप चेंजेस कर रहे हो? आई गेस वन ऑफ दिस काइंड ऑफ दैट इज गिवन बाय द कंपनी, आई गेस ना एज अ सेफ्टी फीचर दिया हुआ है कि मे बी शायद ड्राइवर भूल चुका हो, राइट, तो वो भूल के एकदम से उस मोड पे ना चले जाए, एक्सट्रीम मोड पे, जूम मोड पे ना हो, तो वो शायद इसको वो सिटी मोड पे जाए। पर ऑन अ फ्लिप साइड इफ यू सी, ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ कस्टमाइज करके टोन डाउन सेटिंग भी हो सकती है, कि अगर जूम मोड ना भी करा हो, उसको जिप में रखा हो, स्टीयरिंग उसने जूम कर रखा हो, तो वो चीज भी हो सकती है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने अग्रेसिव ही सेटिंग्स करी हो, यू शुड गिव ऑप्शन टू अ यूजर कि आप उस सेटिंग को सेव करना चाहते हैं कि उसको आप अनसेव रहना चाहते हैं जैसा कि वो डिफॉल्ट रहता है। आई थिंक दैट पावर शुड बी गिवन टू द ओनर इटसेल्फ। तो आई थिंक इस पे महिंद्रा को कुछ सोचना चाहिए। बाकी परफॉर्मेंस वाइज तो यार इज गुड, थम्स अप। पर इसमें बॉडी रोल जो है, लाइक आई सेड, जैसे मैंने स्टार्ट करते ही बोल दिया था, वो आपको फील होगा, और स्पेशली आपको फील होगा व्हेन यू आर ऑन द हाईवेज, राइट। सिटी में इट्स कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हालांकि मेरे को यार अगर कोई दे गाड़ी सिटी वाइज, आई विल अगेन चूज XUV 700, क्योंकि वो थोड़ी सिटिंग लो है एंड आई फील कंफर्टेबल। इनफैक्ट आर डैड ही इज लाइकिंग XUV 700, जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उनको पिछली 2-3 महीनों से, एंड ही इज लाइकिंग XUV 700, और उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं होती। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे वॉल्यूम बटन देख के? वो भी मैनुअल वॉल्यूम बटन्स हैं इसके अंदर यार, आई टेक्टाइल, या एग्जैक्टली। सो वेरी गुड पॉइंट यू हैव ब्रॉट इन टू एवरीवन नोटिस। यार ये होना चाहिए, यू नो, ये आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये चीज़ हो रही है कि वो टच सेंसिटिव बटन लेके आ रहे हैं, पर यार ये इसका जो फील है ना वही अलग है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो आपके पास मैनुअली और एटलीस्ट नॉब तो आपके वॉल्यूम का तो होना चाहिए, भले आप किसी और चीज़ का धोखे ना दो। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन माइलेज, जो हमने इसकी डिस्कस नहीं करी, तो माइलेज इसकी एज कम्पेयर टू XUV कम है बिकॉज ऑफ द बॉडी वेट, एंड मेजरली बॉडी वेट का ही है। तो इसकी जो माइलेज आ रही है अभी जो मैंने निकाली थी, लगभग 12-13 निकलती है। दिस इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ हाईवे एंड सिटी। अगर इंडिविजुअली बात करें तो? इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ तो हाईवे, इट डिपेंड्स टोटली। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज माइलेज ऑलवेज डिपेंड ऑन ड्राइविंग स्टाइल। सो मेरी ड्राइविंग स्टाइल थोड़ी सी हाईवेज में, थोड़ी सी अगर मैं हाई स्पीड ज़्यादा जाता हूँ तो ये 10 का माइलेज तक भी आ जाती है। एज राइट नाउ इट इज शोइंग 9, वैसे वो ऑन रही है, मगर वैसे 10 का माइलेज ये तक आ जाती है। अगर मैं उसको नॉर्मल चलाऊँ तो 13 तक ये दे देती है हाईवेज पे। और थोड़ा सा मैंने हैवी टायर्स भी लगाए हैं, उसके बाद से माइलेज ड्रॉप भी हुआ है। सस्पेंशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्मूदर एक्सपीरियंस होता है आपको, गाड़ी बड़ी स्मूथली ग्लाइड, अनइवन, हाँ एक ग्लाइड हो जाती है गाड़ी, इट्स काइंड ऑफ अ ग्लाइडर। तो एक जैसे यू नो जो पैचेस हो गए हैं सड़कों में और जो गड्ढे हैं, उससे ये सीमलेसली चली जाती है। और जबकि सस्पेंशन है वो आवाज़ कम करते हैं कंपैरेटिवली, जो कि XUV में अगर हम देखें। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट सेक्शन में और सम अप करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे हमारे माइक ने हमें धोखा दे दिया और हमारी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, नो प्रॉब्लम। मैंने एक टेबल क्रिएट किया है और जो पॉइंट्स हमने उस टाइम पे रिकॉर्ड करे थे वो सारे स्टेबलर फॉर्मेट में आ गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कौन सी गाड़ी किस चीज़ में बेटर है एक दूसरे से। तो अगर हम लुक्स की बात करें, लुक ऑफकोर्स या सब्जेक्टिव होते हैं, पर जैसे कि आपने तमन को भी सुना, ही ऑल्सो फील्स के XUV 700 कहीं ना कहीं थोड़ी और एरोडायनेमिक है और बेटर लुक आती है। तो लुक वाइज आई विल गिव इट टू XUV 700। However, Scorpio Van में भी एक rugged look आते हैं, उसका एक अलग रुतबा है, तो उसका जो true and tough SUV style है, what Scorpio Van is all about. Performance wise, XUV 700 lighter vehicle है, ज़्यादा aerodynamic है, engine का जो performance है, जो turbo है, वो बड़ा है, तो performance wise XUV 700 any day beat कर देगी Scorpio Van को। पर यार हमें race नहीं लड़ानी है, अगर slow and subtle वाली अगर बात करें तो उस हिसाब से स्कॉर्पियो में कहीं पीछे नहीं है। नंबर्स जो हैं, हाँ XUV 700 के परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा है और वो कम टाइम लेती है 0-100 करने में, लेकिन स्कॉर्पियो में कोई ज़्यादा पीछे नहीं है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। स्कॉर्पियो जो पॉइंट ले जाता है यार, उसमें एक बहुत ही बड़ी गाड़ी की फील है, बहुत ही चौड़ी ऊँची गाड़ी है और बहुत ही बढ़िया रोड प्रेजेंस है और बॉडी ऑन फ्रेम है गाड़ी, रेयर व्हील ड्राइव है, 4x4 में भी अवेलेबल है, उस हिसाब से स्कॉर्पियो एक
बेटर कार बन जाती है। XUV700 में भी आपको ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट आता है, लेकिन वो सिर्फ AX7L में ही अवेलेबल है, तो टॉप ऑफ द लाइन है जो कि 30 लाख के आसपास पड़ता है। तो प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं आपको XUV700 में। आपको अगर AX5 वेरिएंट की बात करूं तो दो डुअल 10.25 इंच की स्क्रीन मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, एलॉयज मिलते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो एन की, तो उसमें यार मस्ट हैव फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो कि मैं बहुत पर्सनली मिस करता हूँ वो है क्रूज कंट्रोल, तो वो आपको मिल जाता है। रियर में आर्मरेस्ट मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 7 सीटर और 5 सीटर वेरियंट की कंपेरिजन कर रहे थे, जिसमें कि ऑलमोस्ट 3 लाख रुपये महंगी थी XUV700, लेकिन स्कॉर्पियो एन उस 3 लाख कम में भी आपको 7 सीटर में मिल रही थी। अगर हम हाई स्पीड ड्राइव की बात करें तो वहां पे यार एनी डे देयर इज अ नाइट एंड डे ऑफ डिफरेंस। XUV700 जो है हाई स्पीड ड्राइव में बेहतर परफॉर्म करती है, मोनोकोक जैसी है, कम बॉडी रोल है, और दिस इज ऑलवेज गुड फॉर दी सिटी ड्राइव्स। ऑन दी अदर हैंड सस्पेंशन वाइज स्कॉर्पियो एन जो है आपको रफ टेरेन में ज्यादा कंफर्ट देगी, आपके सस्पेंशन से आवाज नहीं आती है, तो उस हिसाब से आपको स्कॉर्पियो एन एक बेटर चॉइस बन जाती है। सेफ्टी की अगर बात करें तो XUV700 में आपको कई सारे एक्टिव सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, हालांकि आपको ये सारे फीचर्स AX5 वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। इसमें आपको 4 एयरबैग्स मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको अगर आप AX7 वेरिएंट या AX7 लग्जरी वेरिएंट में जाते हैं तो आपको ADAS मिल जाता है, लेन डिपार्चर असिस्ट मिल जाता है, तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। बाकी AX5 वेरिएंट में भी आपको ABS, EBD जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर हम बात करें स्कॉर्पियो एन की, तो आपको Z4 वेरिएंट में 2 कम एयरबैग मिलते हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ 2 एयरबैग मिलते हैं, बट 5-स्टार रेटेड गाड़ी है ये भी, तो उस हिसाब से सेफ्टी इज गुड। स्कॉर्पियो एन के अगर हम कंपैरिजन में XUV700 को देखेंगे तो इसमें आपको बेटर फ्यूल इकोनॉमी मिलती है, क्योंकि लाइटर व्हीकल है और एरोडायनामिक ज्यादा है, तो आपको फ्यूल इकोनॉमी ज्यादा यहाँ पे मिलती है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड में देखें तो यार ये गाड़ी सस्ती है। स्कॉर्पियो एन आपको 3 लाख 3.25 लाख रुपए सस्ती पड़ती है अगर हम AX5 और Z4 वेरिएंट को देखें, और पेरेंट टू वेरिएंट भी काफी फ्लक्चुएशन आता है, लेकिन ओवरऑल स्कॉर्पियो एन इज अ प्राइस वाइज चीपर और मोर अफोर्डेबल देन XUV700। तो ये है पूरी की पूरी कहानी। आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएंट या कौन सा व्हीकल आपके लिए बेटर है, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अब हम लास्ट सेक्शन में देखते हैं कि जो बच्चे हमारे आजू बाजू घूम रहे थे जब हम शूट कर रहे थे, तो उनका क्या रिएक्शन है, उन्होंने कौन सी कार चूज करी, तो चलिए उसको देखते हैं। बच्चों एक चीज बताओ, ये दोनों गाड़ियां आपको पता है, मैंने आपसे पूछा, आपको गाड़ियों के नाम तो पता है, दोनों में से कौन सी गाड़ी पसंद है आपको? आपको स्कॉर्पियो एन, और जो आप जो कैमरे में नहीं आ रहे हैं, आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? हाँ, तो यार मैं जो बोल रहा था वीडियो में, स्कॉर्पियो का एक अलग ही रुतबा है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं, बच्चों को भी पता है इसके बारे में। हाँ, चारों ने स्कॉर्पियन बोला।